सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और पाते रहिए ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस। याद रखिए सब्सक्रिप्शन हमेशा फ्री होता है। दोस्तों आज हम रिव्यू कर रहे हैं अमूल के मलाई पनीर का, जो कि पैक्ड पनीर है। इंडिया में ये हर जगह आता है, ये है। इसके प्राइस जो हैं इस पर पड़े हैं पैक पर वो हैं जो पड़े हैं 66 रुपये और 70 रुपये, और जगहों पर ये है 200 ग्राम का पनीर का पैकेट। आप देख सकते हैं कि ये अमूल का मलाई पनीर है। ये नॉर्मली आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं मटर पनीर बनाने के लिए। पनीर बनाने का झंझट नहीं होगा इससे आपको, पनीर दूध का ना भी हो तो आप तुरंत पनीर लाकर इसको आपको लिखा है कि कीप फ्रोजन, हमेशा फ्रीजर में रखना है, डीप फ्रीजर में। और जब आपको बनाना हो तो उसे निकालने से पहले इस पर बॉयल करना है, इसको 30 मिनट तक गर्म पानी में डाले रखें। तो उससे क्या होगा, ये अभी कर्रा लगेगा आपको और एकदम नरम हो जाएगा ये और सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। और डालते हैं आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। अब हम खोल के दिखाते हैं कि कैसा पनीर है अंदर। देखिए ये पनीर का स्लाइस अभी ये एकदम जमा हुआ है तो इसलिए बहुत टाइट, एकदम टाइट नज़र आ रहा है, मगर जब ये उबले पानी में डालेंगे तो बहुत ही नरम एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इन पर दूध ना उपलब्ध हो वो भी पनीर का स्वाद ले सकते हैं, हर तरह से पनीर को खा सकते हैं। ये पनीर का बिल्कुल टाइट है इस समय क्योंकि ये है फ्रीजर में एकदम फ्रोजन है। तो आपको सिर्फ 30 मिनट तक इसको पानी में डालना है, थोड़े गर्म पानी में, उससे एकदम से ये पनीर ज़्यादा पनीर की तरह एकदम नरम निकल जाएगा। तो जब भी बनाएं 30 मिनट पहले गर्म पानी में डाल लें। ये काफ़ी अच्छा प्रोटीन से भरपूर पनीर है, इसमें प्रोटीन भी है। तो ये अमूल का पनीर है और देखिए इसमें जैसे तुरंत कोई भी रेसिपी आप एंड टाइम बनाएं, कोई रिश्तेदार आए तो आप तुरंत इसको लाकर अपने घर में बना सकते हैं। तो ये है 70 रुपये, 65 रुपये, अलग अलग रेट है दो जगहों के, 200 ग्राम का है और इसे कई दिन तक रखा जा सकता है। देखिए इसे ये जुलाई 2017 में बनाया है और इस पर लिखा हुआ है कि इसे रख भी सकते हैं हम कई दिन तक फ्रीजर में, अगर आप रखें बस तो आप कई दिन तक रख सकते हैं इसे। 200 ग्राम का पनीर है ये, इसमें मिल्क सॉलिड्स पड़ा है, देखिए प्रोटीन विटामिन सब कुछ है इसमें और इसमें 6 महीने तक रखा जा सकता है। बंद अगर आप फ्रीजर में बंद रखते हैं तो 6 महीने तक इस पैकेट को आप रख के 6 महीने तक कभी भी यूज़ करके इसे खा सकते हैं पनीर। तो आप दोबारा दिखा देते हैं एक बार कि ये आपके पनीर का, ये देखिए ये भी एक दो स्लाइस हैं, ये फ्रोजन इसलिए जुड़े हुए हैं। आप इसे गर्म पानी में डालते ही एकदम नरम पनीर बन जाएगा। कभी भी आप पनीर का टेस्ट लेना चाहें, आप दूध उपलब्ध ना हो, पनीर उपलब्ध ना हो, तो अमूल का मलाई पनीर खरीद कर अमूल के पनीर से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर